स्पाइस जेट की दिल्ली उड़ान से भोपाल आ रही सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पसंद की सीट नहीं मिली तो वे विमान के अंदर ही धरने पर बैठ गईं। एयरपोर्ट डायरेक्टर के अनुरोध पर वे विमान से उतरी। बाद में उन्होंने स्पाइस जेट के प्रबंधन के खिलाफ सेवाओं में कमी की शिकायत दर्ज कराई। साध्वी प्रज्ञा ने विमान में धरना दिए जाने से इनकार किया है। साध्वी प्रज्ञा शनिवार शाम को दिल्ली से स्पाइस जेट की उड़ान संख्या SG2489 से भोपाल आ रही थी। विमान के अंदर उन्हें सीट नंबर 2A दी गई। सांसद चाहती थी कि प्रोटोकॉल के लिहाज से उन्हें सीट नंबर A1 दी जाए, लेकिन यह सीट पहले से दूसरे यात्री को दी जा चुकी थी। शाम 7 बजे विमान राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। भोपाल के सभी यात्री उतर गए, लेकिन साध्वी विमान से नहीं उतरी। वे विमान के अंदर ही धरने पर बैठ गईं। स्पाइस जेट के स्टाफ ने भी उनसे नीचे आने का अनुरोध किया, लेकिन वे नहीं मानी। बाद में एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल विक्रम विमान के अंदर पहुंचे और सांसद से धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। APD के अनुरोध पर वे 20 मिनट बाद विमान से नीचे उतरी। एयरपोर्ट के VIP लाउंज पहुंचकर उन्होंने स्पाइस जेट की सेवाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनके विमान से समय पर नहीं उतरने के कारण ये विमान भोपाल से 20 मिनट की देरी से वापस दिल्ली रवाना हुआ। हालांकि प्रज्ञा ने विमान में धरना देने को गलत बताया है। स्पाइस जेट फ्लाइट जो है उसका स्टाफ जो है वो ठीक व्यवहार नहीं करता पैसेंजर के साथ। स्पाइस जेट का जी। एक बार और भी मैं आई थी और उस समय माननीय राज्यपाल जी यहाँ जब थी तो उस समय की भी घटना है इसका। हाँ, तो उस समय की भी ये घटना है कि इनके व्यवहार ठीक नहीं थे। आज भी व्यवहार ठीक नहीं था। मैंने कहा कोई कारण है, जो सीट बुक करवाई उस पर नहीं बैठना है। मैंने कहा कोई कारण होगा तो नियम बुक बता दो। जी जी जी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया, तो उनका जो व्यवहार रहा उस पर फिर मैंने डायरेक्टर को बुलाया, एयरपोर्ट डायरेक्टर को। उनको मैंने बात की, कंप्लेंट की लिखित में और फॉर्म वगैरह में जो कहा जाता है वो करके और मैं दे करके। साध्वी प्रज्ञा एयरपोर्ट से होते हुए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भगवान दास सवनानी के साथ संत हिरदाराम जी की कुटिया पर पहुंची। यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्पाइस जेट की सेवाएं ठीक नहीं है, कंपनी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। मैंने जो सीट बुक कराई थी वह नहीं दी गई, मैंने धरना नहीं दिया है, लेकिन सेवाओं में कमी की शिकायत दर्ज कराई है। साध्वी ने कहा कि स्पाइस जेट ने इससे पहले भी एक महिला राज्यपाल के आगमन के समय यही सर्विस नहीं दी थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।